चलान कर रहे हैं, जो रोड बंद हो जाता है, व्हीकल आता है अपना जैसे गाड़ी भी खड़ी है, कोई बार बार समझा जाता है, टहा जाता है भाई, अपना खरीदने वाले को भाई समझा जाता है रोड पर ना खड़े। भाई साहब हमें तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब, अपना डॉक्यूमेंट लेकर चलो, अपनी यार जिंदगी बार बार नहीं होती है, अपन बाहर चलते हैं, अपना घर भी कोई इंतजार करता है, बेटा बेटी भी करते हैं, माँ बाप भी करता है, अपनी घरवाल भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति, कैथल के सर छोटू राम चौक पर हम इस समय मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे कि चलान प्रक्रिया लगातार यहां पर जारी है और अभी हम बातचीत करना चाहेंगे धर्मवीर सर से। जी सर, किस तरीके से यहां पर चलान की प्रक्रिया जारी है, उस तरीके से मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे कि सबसे ज़्यादा चलान मास्क के होते हैं, ट्रिपलिंग के होते हैं, किसके होते हैं? हेलमेट के, ट्रिपल सवारी के डॉक्यूमेंट ना उनको चलान होते हैं, मास्क के बहुत ही कम होते हैं भाई साहब, यहाँ मास्क के तो कम ही होते हैं यहाँ। अच्छा जी, इसका अपना हेलमेट ना हो, व्हीकल के डॉक्यूमेंट ना हो, मास्क भी ना लगे हो, उनको रुकवा कर चेक करते हैं, जिस पर कमी पाते जिस भी डॉक्यूमेंट के चलान के होते हैं। जी तो धर्मवीर जी, आप ये बताएं कि किस तरीके का रिस्पांस आपको मिला, विरोध का सामना भी आपको करना पड़ता है, लेकिन फिर आप लोगों को ऐसे क्या कुछ समझाते हो? भाई साहब हमें तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब, अपना डॉक्यूमेंट लेकर चलो, अपनी यार जिंदगी बार बार नहीं होती है, अपन बाहर चलते हैं, अपना घर भी कोई इंतजार करता है, बेटा बेटी भी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, अपने घरवाल भी करते हैं, उनका भी देखो, अपना हेलमेट लगा कर चलिए, अपने डॉक्यूमेंट रख कर चलिए, हम तो हर आदमी से ये कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जी तो और क्या कुछ आपको यहाँ पर लग रहा है कि अभी जो प्रक्रिया जो जारी है वो आप किस तरीके से, क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है सर? जैसे हम तो भाई साहब यहाँ चलान कर रहे हैं, जो रोड बंद हो जाता है, व्हीकल आता है अपना जैसे गाड़ी खड़ी है, कोई बार बार समझा जाता है, टहा जाता है भाई, अपना खरीदने वाले को भाई योग समझा जाता है रोड पर ना खड़े करो, रोड को सुचारू रूप से चालू रहने दो, गाड़ी वालों को जो मिस्त्री का गलत गाड़ियाँ खड़ी होती है उनको भी टुवाते हैं, बार बार कहते हैं भाई अपनी गाड़ी यहाँ ना लगाओ। जी कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए आप यहां पर लगे हुए हो, लगातार आप लोगों से भी अपील कर रहे हो, चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हो कि जो है ऐसी स्थिति ना आने दे कि हमको चलान करने पड़े, और जो है आप अपनी सेफ्टी करें तो हमको चलान करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी सर, बिल्कुल बस सर, हमने जगह जगह पर गए भी हैं, स्कूल में कॉलेज में बच्चों को संबोधित किया है, भाई बेटे घर से निकलते हो रोड भी अपन क्रॉस करते हैं, उस टाइम भी दाएँ बाएँ देख कर निकलो, हेलमेट लगा कर चलो, अपनी जिंदगी बार बार नहीं आती बेटे जी। जी और घर वाले छोटे छोटे बच्चों को ना स्कूटी दे देते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका घर भी जाकर उनको घर क्यों भी समझाते हैं भाई साहब, आप अपने छोटे बच्चों को स्कूटी मोटरसाइकिल भी देते हैं, क्यों देते हो, ये गलत काम है, चलान भी कर देते हैं, उनको बार बार समझाते हैं, बच्चे की जिंदगी बार बार नहीं आती जी। जी तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर जी, तो जिन्होंने बताया कि ऐसी प्रक्रिया हमको करनी पड़े, हमको चलान करना पड़े, ऐसी स्थिति आप ना आने दे, आप अपनी सेफ्टी रखें। और फिलहाल कैथल के छोटू राम चौक पर हम मौजूद हैं, चलान प्रक्रिया लगातार जारी है, बने रहे आप हमारे साथ। मैं हूं कैमरामैन।